हेलो एंड वेलकम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल दो प्रोसेसर्स बड़े कॉमन चल रहे हैं, डायमेंसिटी का 7300 और डायमेंसिटी 7350। इन दोनों ही प्रोसेसर्स पर अंडर 30,000 बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं। तो ऐसे में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जरूर पैदा होता होगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा बेटर है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक बहुत ज़्यादा बेकार है, लगभग आसपास ही कहीं ना कहीं ठहरते हैं। बट पूरा का पूरा जो इनका कंपैरिजन है वो आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। ऐसे कंपैरिजन्स प्रोसेसर्स के, मोबाइल्स के, हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली कंपैरिजन मैं आपको स्लाइड वाइज दिखाता हूँ, बट इसमें ज़्यादा कुछ कॉमन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर स्लाइड वाइज दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ दो या तीन चीज़ों का डिफरेंस है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। इसलिए मैं आपको स्लाइड वाइज ना दिखा करके सिंपल से आपको बताने वाला हूँ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ये डायमेंसिटी 7350 के अंदर अगर हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं, इनके जो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सब कुछ सेम है। दोनों ही 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। TSMC का डिज़ाइन है, यानी कि TSMC की ही फैब्रिकेशन प्रोसेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको दोनों में ही ऑक्टा कोर CPUs देखने के लिए मिलते हैं। लॉन्च डेट में एक महीने का फ़र्क है। आपको जो डायमेंसिटी 7350 है वो रिसेंटली लॉन्च मिलेगा, जुलाई में ही ये लॉन्च किया गया है, बाकी जून में लॉन्च किया गया है डायमेंसिटी 7300। तो दोनों ही रिसेंट हैं, लगभग 2 महीने अभी फ़िलहाल 7300 को लॉन्च हुए हैं और 1 महीना डायमेंसिटी 7350 को हुआ है। प्रोसेसर्स के अंदर जो परफॉर्मेंस का सेक्शन है कोर्स वाला, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर 4 कोर्स मिलती हैं आपको। मैं बात कर रहा हूँ पहले डायमेंसिटी 7300 की। 4 कोर्स मिलती हैं कॉर्टेक्स A78 की, जो 2.5 GHz तक क्लॉक है। बाकी जो 4 कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A55 की हैं, जो 2 GHz तक क्लॉक है। कॉर्टेक्स A78 की कोर्स काफ़ी बेटर होती हैं और 25,000 के प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ अगर हम डायमेंसिटी 7350 की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोर्स और अपग्रेड कर दी गई हैं। वहाँ पर कॉर्टेक्स A715 की कोर्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर केवल 2 मिलती हैं। बाकी जो 6 कोर्स है वो एफिशिएंसी कोर्स हैं, जो कि यहाँ पर 2 GHz तक क्लॉक हैं। और जो परफॉर्मेंस कोर्स है हमारी 715 वाली, वो 3 GHz तक क्लॉक है। तो क्लॉक स्पीड और कोर्स यहाँ पर बेटर हैं, लेकिन वहाँ पर 4 कोर्स परफॉर्मेंस किए हैं और यहाँ केवल 2 कोर्स परफॉर्मेंस किए हैं। डिफरेंस आएगा बट इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि जनरेशन बड़ी हो गई है। तो लगभग आप ये मान के चलो, जब भी हम कोर्स की जनरेशन को बढ़ाते हैं तो अपने आप जो CPU है वो 40% बेटर हो जाता है। अगर हम GPU की बात करते हैं, तो डायमेंसिटी 7350 के अंदर माली का G610MP4 देखने के लिए मिला है, यानी कि 4 कोर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो कि 1300 MHz तक क्लॉक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डायमेंसिटी 7300 के अंदर, वहाँ पर मिला है माली का G615, एक नेक्स्ट जनरेशन GPU है, बट वहाँ पर केवल 2 कोर्स आपको मिलती हैं MP2, इसलिए वहाँ पर लिखा गया है। और जो क्लॉक स्पीड है वो होने वाली है 1200 MHz, यानी कि यहाँ पर एक में GPU की जनरेशन बेस्ट है, एक के अंदर आपको GPU के अंदर 4 कोर्स है। तो परफॉर्मेंस दोनों में आपको GPU की लाजवाब देखने के लिए मिलने वाली है। गेमिंग में दोनों स्मार्टफोन में से आपको कोई भी निराश नहीं करेगा, जो भी इन प्रोसेसर्स के ऊपर आने वाले हैं। तो बस ये 2 चीज़ें थी जो डिफरेंट थी, बाकी इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। जी हाँ, यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM का सपोर्ट मिलता है, 32 MHz तक क्लॉक हो सकती है और अप टू 16 GB मैक्सिमम सपोर्ट जा सकता है। सिंगल कैमरा यहाँ पर 200 MP तक का सपोर्ट आपको मिलता है। साथ में आप 4K वीडियो एट 30 FPS रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। 4K वीडियो एट 30 FPS आप प्लेबैक भी कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्ले रिजोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है 2520x1080p, यानी कि 2.5K के आसपास इसको आप मान सकते हैं। दोनों के अंदर ही सेम है, UFS 3.1 दोनों ही सपोर्ट करते हैं। दोनों ही हमारे 5G प्रोसेसर्स हैं। दोनों के अंदर आपको AI इंजन मिलता है, दोनों में ही आपको नेविक मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इनके अलावा, जो कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड वो भी सेम है, 4.7 GBPS डाउनलोडिंग स्पीड है और 2.5 GBPS अपलोडिंग स्पीड है। अब बात करते हैं हम अंतुतु स्कोर्स की और गीगबेंच स्कोर की। अगर हम अंतुतु स्कोर की बात करते हैं, डायमेंसिटी 7350 यहाँ पर 770K, यानी कि 770,000 के आसपास स्कोर करता है, इससे ऊपर ही स्कोर करता है। वैसे ही आपको डायमेंसिटी 7300 का 630,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है।
तो यहाँ पर अंतुतु स्कोर में आपको बैटर देखने के लिए मिलता है डायमेंसिटी 7350। और इसका एक बड़ा रीज़न यही है कि इसके अंदर आपको लेटेस्ट कोर्स मिलती हैं और जीपीयू के अंदर आपको यहाँ पर चार कोर्स देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम गीकबेंच स्कोर की बात करते हैं वहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस आता है। सिंगल कोर में 1195 स्कोर आता है डायमेंसिटी 7350 का और 1043 आता है डायमेंसिटी 7300 का। ये तो सिंगल कोर का स्कोर था। अगर मल्टी कोर की अगर हम बात करते हैं 2622 आता है डायमेंसिटी 7350 का और लगभग 3000 के आसपास आता है डायमेंसिटी 7300 का। ये डिफरेंस यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर केवल दो कोर्स हैं और इधर आपको चार कोर्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है भाई, दोनों ही प्रोसेसर्स काफ़ी बेटर हैं। 7350 जो है थोड़ा सा आपको बेटर मिलता है डायमेंसिटी 7300 से, इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप इन दोनों प्रोसेसर्स का किसके साथ में कंपेरिजन चाहते हैं, वो टाइटल, वो आपका क्वेश्चन इसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके ही कमेंट के ऊपर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।